नमस्ते। कुछ दिन पहले मैं बच्चों के साथ पिक्चर देख रहा था एंड उनके ज़माने की पिक्चर थी वो इन्फिनिटी वॉर और उसके सीक्वल्स आए ना बाद में एंड गेम एक और सीक्वल आया। सो वी आर वॉचिंग दोज मूवीज। तो बच्चे बता रहे थे कि सिंस मेरी पहले की कुछ मूवी देखी थी और बीच की मैंने काफ़ी आई हैड मिस्ड सम ऑफ दिस मूवीज। सो बच्चे कह रहे थे कि ये एक सीक्वल होता है एंड मार्वल कॉमिक्स के हैं एंड देन डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर वॉज कनेक्टेड टू द प्रीवियस मूवी एंड देन एंड सब उनका बताना बहुत चला था एज इफ आई हैड नो आइडिया व्हाट दिस वर्ल्ड ऑफ मार्वल कॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो वो सब देखा और उसमें एक विलन था इन्फिनिटी वॉर में जिसका नाम था थेनोस और उसका पूरा कॉन्सेप्ट था कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जानी चाहिए बिकॉज इफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी हैज टू सर्वाइव तो ये आधी पॉपुलेशन का सेक्रीफाइस तो होना ही चाहिए। सो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से वो अपना सारे एक्शन कर रहा था। सो इन द एंड व्हेन ही वॉज अबाउट टू बी किल्ड एंड द हीरोज ऑफ द मूवी वर टू टेक ओवर तो वो कहता है कि वी ऑल आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ विलन इन समबडीज स्टोरी। तो किसी न किसी की स्टोरी में हम सब कहीं ना कहीं विलन बन के तो आएंगे या विलन होंगे ही। एंड मूवी एंडेड, हम लोग डिस्कशन हो गया, बातें हो गई, मजे कर लिए, बट दैट स्टेटमेंट ऑफ थैनोस केप्ट ऑन लिंगरिंग माय माइंड कि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी में विलन तो हैं। एंड माय माइंड वेंट बैक टू यू नो टू माय चाइल्डहुड डेज एंड मुझे याद आया एक इंसिडेंट की जब छोटे थे तो नॉर्मली एक बड़ी इच्छा होती थी अंदर से कि किसी की लाइफ में तो हीरो बनना है, किसी के सामने तो हीरोगिरी दिखानी है। सो हमारे घर में पहली बार साइकिल आई एंड आई वाज आई थिंक 6-7 इयर्स ऑफ एज। साइकिल आई तो साइकिल चला रहे हैं, मम्मी की फ्रेंड्स हैं उनके सामने, तो एक हीरो बनती एक हीरोगिरी दिखाने के लिए। सो यू ट्राइंग टू बैलेंस एंड यू ट्राइंग टू मूव अराउंड इन साइकिल और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो थोड़ी स्पीड तेज करी और ये सब हीरोगिरी दिखाने के लिए। और फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ी स्पीड बढ़ी तो फिर एक वन हैंड छोड़ के साइकिलिंग करना, उसके बाद फिर एक समय आया जहाँ दोनों हाथ छोड़ के कुछ सेकंड्स के लिए साइकिल को बैलेंस करना। एंड द होल आइडिया वाज कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है क्या, किसी की नज़रों में हम हीरो बने क्या। एंड मुझे लगता है कि वो सिलसिला सबकी लाइफ में रहा होगा, किसी न किसी रूप में हम सब ने ये काम तो किया होगा और मेरी लाइफ में भी रहा और काफ़ी समय तक ये कंटिन्यू रहा टिल I grew up and I realized after having lost many formative years of my life कि ये दूसरों की life में hero बनना तो ठीक है लेकिन उतना ही important या शायद उससे ज़्यादा important है कि क्या हम अपनी life में hero हैं कि नहीं। तो दूसरों की नज़रों में hero बनना is okay, is something which we all aspire to, but उतना ही ज़रूरी, जैसे मैंने कहा, उतना ही ज़रूरी या शायद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी नज़रों में hero बने। क्योंकि जब हम दूसरों की नज़रों में हीरो बनने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं तो जाने अनजाने में क्या होता है, वी आर गवर्न और वी आर कंट्रोल्ड बाय दोस पीपल। ऐसा हो सकता है कि शायद किसी का दायरा एक हीरोगिरी का, किसी का दायरा कुछ हीरो कॉन्सेप्ट को लेके इतना लेवल लो हो उसका कि हम उस लेवल पे मैच कर जाएं और उसकी नज़रों में हीरो बन जाएं एंड वी लिव आवर लाइफ व्हिच इज वे बिलो आवर पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि किसी का दायरा बहुत ही ऊंचा हो और हम उस ऊंचे दायरे में फिट होने के लिए हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत काम करते हैं और शायद जिंदगी भर हम उस लेवल पर पहुंच ही ना पाए और हम कभी उसकी नजरों में हीरो ना बन के देख पाए अपने आप को एंड वी फील लो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सो आइदर वेज वी आर नॉट लिविंग अ ग्रेट लाइफ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में किसी और की नजरों में हीरो बनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं और उस चक्कर में शायद अपने लाइफ में कहीं हीरो बनने का एक जो उनका एक काम होता है या एक मौका होता है हम उसको गवा देते। वी बिकम मोर पीपल कॉन्शियस देन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस। देन अनदर थिंग व्हिच आई हैव सीन व्हिच हैपेंस, दूसरी बात कि आप कितना भी कोशिश करो, कितने भी एफर्ट्स डाल दो, ये बात तो पक्की है कि आप सभी की नजरों में हीरो तो नहीं बन सकते। कोई ना कोई होगा जो क्रिटिक होगा। घर में कितना भी अच्छा खाना बना लो, किसी न किसी मेंबर को तो कोई दाल में नमक कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा या फिर नींबू लगेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी को शायद कुछ कमी लग सकती है। आप कितना भी एफर्ट डाल लो टू कीप एंटायर टीम हैप्पी, कोई ना कोई टीम मेंबर जो है वो उसको लगेगा कि शायद और कुछ हो सकता है। आप यूर रूलिंग अ स्टेट और यूर रूलिंग अ कंट्री, आप कितना भी एफर्ट डाल लो कुछ ना कुछ तो होगा जो किसी न किसी इंसान को, किसी न किसी ग्रुप को लगेगा कि यार ये कम रह गया। तो आप सबके नजरों में हीरो तो बन नहीं सकते। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप एक इंसान की नजरों में हमेशा या ऑल द टाइम आप हीरो नहीं बन सकते। तो जब ये बात फैक्ट है तो कम से कम हम फोकस करें कि उस एक इंसान की नजरों में हीरो बने रहे जो परमानेंटली हमारे साथ रहने वाला है और वो है हम। तो दुनिया की तो गारंटी ले नहीं सकते,
कम से कम अपनी गारंटी ले लें कि हम अपनी नजरों में हीरो बने. एंड इफ वी अंडरस्टैंड दैट दैट व्हाट अ हीरो डज व्हाट व्हाट हाउ अ हीरो बिहेव्स, तो अगर हमने अपने लिए उसको कर लिया कि हम हीरो के माफिक जिए, हम हीरो के माफिक बातें करें, हम हीरो के माफिक मेहनत करें. कैसे हीरो जीता है, कैसे मेहनत करता है, कैसे बातें करता है, कैसे अपने आप को अच्छा बनाता है, कैसे सिचुएशन से वो टकराता है, सामना करता है. एंड इफ यू कैन हिट अ बेड एवरी डे फीलिंग लाइक अ हीरो, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, द वर्ल्ड्स लेवल ऑफ हीरोगिरी मे बी डिफरेंट, बट इन आवर ओन आईज हमारा खुद का लेवल हीरोगिरी का है. अगर हम उस पर जी लिए तो हम हर दिन अपने लेवल को आप देखो बढ़ाते रहो. And a time will come when you will actually feel great about yourself. And when the world will accept or not accept you as a hero, it will not make much of a difference to you. So all the young brigade here who are listening to me or watching this video, तो आप अपने Thanos की बात को ध्यान रखिए कि वो बोलता है कि you will always be a villain in somebody's life. And it's okay. It's okay to be a villain in somebody's life. As long as you're a hero in your own life. So shake yourself up, wake that hero inside you and do things out of that thought process कि मैं अपनी नजरों में तो हीरो बन के उठूं. And as parents, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप situations create करो अपने बच्चों के लिए जहां पर उनके अंदर का हीरो को हम ललकारें, उनके अंदर का हीरो को हम जगाएं, उनके अंदर के हीरो को हम हिलाएं और वो हीरो के लेवल पे, हीरो के रूप में अपने आप को देख पाए. As parents, we could do that. So अगर ये गेम चलेगा, यहाँ बच्चे भी अपने हीरो को जगा रहे हैं, हम भी हीरो बनने का मौका दे रहे हैं, ये doubles game of parents and children together, I think we can create a great society, a great family, and a great world for all of us. So, happy creating those hero moments for yourself, and I'll see you in the next video. Namaste.